फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया था, सर हमें इसके प्रॉब्लम जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इश्यू ये आ रहा है कि इसका बैकग्राउंड क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले उसको आप अंडरस्टैंड करो। तो जो प्रॉब्लम मैंने जो करवाए थे फ्रैगस बर्टिक में, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आप इस वीडियो से, होप सो। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपके पास आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। फंक्शन क्या चीज है, वाई इज इक्वल टू, हम बात करें ax² + bx + c। एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है पहले। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन से फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। अब बात यह रही, अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन वन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन सकता है? देखो, हर फंक्शन इक्वेशन होता है मानते हैं, मगर हर इक्वेशन फंक्शन ही होता है। तो एक क्लास आपने सुना होगा रूट्स, ठीक है। तो आप बोलते फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि इक्वेशन कौन सी होती है, ax² + bx + c। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है जब व्हेन आपके वाई इज इक्वल टू जीरो जाए, ठीक है। ये आप समझ गए, ये रूट्स क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू जहां पे वाई जीरो हो। इसका मतलब ये हुआ आप एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अब एक इक्वेशन वन जो फंक्शन है, इसको इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, वाई को जीरो पुट अप कर देंगे। ax² + bx + c इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास तीन चीजें होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद करने के। ए जो कोफिशियंट होता है x² का, बी जो कोफिशियंट होता है एक्स का, ठीक है, और आपके पास तीसरी चीज का जो बचा था सी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ए बी सी क्या होता है, ये एक्चुअली कोफिशियंट है। ए किसका कोफिशियंट, x² का, बी एक्स का, और तीसरा जो लास्ट बचा है सी है, ठीक है। ये एक्चुअली सी टाइम्स x = 0, हम लिखते नहीं x = 0, ठीक है। तो फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट इसका बता रहा हूँ। एक्स की जो हम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, x = -b + √b² - 4ac/2a। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एक गिवन इक्वेशन है उसकी डिग्री, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है उस इक्वेशन की हम उसको कहेंगे डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई, 2। जब भी याद रखना, जो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो या मैक्सिमम पावर 2 हो, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लियर हो गया, जब आपके डिग्री 2 है तो उसका मतलब उसकी जो एक्स की वैल्यूज है वो कितने आएगी, 2 आएगी। जैसे हम लीनियर इक्वेशन है y = mx + c, एक्स की पावर क्या 1 है मैक्सिमम पावर, तो उसके एक्स की वैल्यू कितनी निकलती है, 1 निकलती है। अब यहाँ पे x² है तो कितने वैल्यू निकलेंगे, 2 वैल्यू निकलेंगे। इसी तरह हम क्यूबिक में आएंगे, 3 वैल्यू निकलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, क्यों, एक बार प्लस आपका एक बार इसमें जवाब देगा, -b + √b² - 4ac/2a, एक ये वैल्यू आएगी। दूसरी वैल्यू जो आएगी, x = -b - √b² - 4ac/2a। ये क्लियर हो गया, आपको ये क्लियर हो गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कितनी वैल्यूज मिलती हैं, 2 वैल्यू मिलती है। अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की, जो बहुत लोग स्टूडेंट्स नहीं है समझते हैं नेचर रूट्स क्या है, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या, रूट किस किस्म का है। तीन किस्म के हो सकते हैं क्वाड्रेटिक, जो पॉसिबिलिटी से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तीन तीन में से कोई एक रूट हो सकता है एक तरह का। फर्स्ट ये होता है इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स होगा। दूसरा क्या हो सकता है, मे बी वो आपके पास क्या हो, रियल रूट्स हो, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इमेजिनरी रूट्स हो, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो के रूट्स इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही क्वेश्चन, इक्वल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। इक्वल रूट्स आपके पास क्या है, जो एक्स की जो 2 वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है,
हम कहेंगे इक्वल रूट्स या सेम रूट्स, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, सेम रूट्स। अब रियल रूट्स का मतलब क्या है, वो जो दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक रियल है, कोई नंबर आ रहा है। अब इमेजिनरी रूट्स आता क्यों है, क्या ऐसी वजह है इमेजिनरी रूट्स आते हैं। रूट्स आप इमेजिनरी रूट्स बोलते हो, रूट के अंदर माइनस वन आ जाए या माइनस कुछ समथिंग आ जाए, ठीक है, या माइनस एक्स आ जाए, कोई भी आ जाए, या माइनस वन रख देते हैं हम, तो इसका मतलब क्या, ये आयोटा, जब भी आयोटा आता है इमेजिनरी रूट्स आता है। अब बात है इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, इमेजिन मीन्स आप क्या कहते हैं, ये कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, तो इमेजिन हम पढ़ क्यों रहे। एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व बनता है वो बनता है पैराबोलिक, ठीक है। अगर फर्स्ट को मैं ड्रॉ करता हूँ कर्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इस तरह का होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, यही क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट जो आ रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली रूट्स है, ये हो गया एक्स फर्स्ट रूट, ये हो जाएगा सेकेंड रूट, ठीक है, तुम्हारे बात। तो यहाँ इमेजिनरी कब होगा और इस इक्वल रूट कब होगा, जब एक्स वन एक्स टू एक ही हो जाए, यानी कि आपके पास कर्व ये इस तरह का कर्व आ जाए, यानी यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू एक ही है, ठीक है, तुम्हारे बात। अच्छा अब बात आ रही है इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कैसे करता है, हम वो देख लेते हैं। इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट इस तरह कर रहा है, फर्स्ट कर लो आपके पास ये पैराबोला है और मैं एक और पैराबोला बना रहा हूँ जो कि अबव द एक्स एक्सिस है, तो ये भी तो एक कर्व है, क्या ये पैराबोला नहीं है, ये भी पैराबोला है। तो हमें पता है पैराबोला के कितने रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं, तो इसके रूट्स कहाँ है, हम तो कह रहे हैं रूट्स वो वैल्यू है एक्स की जहां पे वाई जीरो, यहाँ पे वाई जीरो आ रहा है, मगर यहाँ पे वाई जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ ये अपने एक्सिस से हट गई है। अगर मैं इसको एक्स रखूँ, ये वाई रखूँ, तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन मोशन की बात है। तो क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो ओरिजिन है, और तो ये ओरिजिन है, वो शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट कहाँ हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं इस कर्व को बोलूँ, वो आपका ये बन गया ऊपर की तरफ, ठीक है, चलो बात। अब आपके पास नजर आ रहे दो रूट्स आ गया, अब ये दो रूट्स के इमेजिनरी क्यों है, ये एक्स अबव हो सकता है, एक्स के बिलो हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी आ सकता है। अगर ये एक्स हम अबव की बात करें, ये राइट साइड पे है, तो क्या हुआ, प्लस एक्स हो जाएगा, और अबव है तो क्या हुआ, प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब ये है, आयोटा वाई का मतलब क्या, इतना ऊपर उठा हुआ है, यानी इसको हम कह रहे हैं वाई। फर्स्ट कर लो, अगर ये है आपके पास, यहाँ पे वाई थ्री है और ये एक्स आपके पास है टू है, तो इसका मतलब ये हुआ टू प्लस आयोटा थ्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ टू का मतलब क्या, राइट साइड दो कदम आगे, और तीन जो आयोटा थ्री है इसका मतलब क्या, तीन कदम ऊपर जा रहा हूँ, समझ रहे बात। अगर फर्स्ट कॉलम मैं आपको ये दे रहा हूँ पैराबोला, मैं ये बना के दे रहा हूँ, तो इसके रूट्स कौन से है, अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा रूट्स, तो क्या है? ये जो एक्स वाई एक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे, ठीक है। अब जो रूट्स आ रहे हैं वो कितना शिफ्ट हो रहा है, एक्चुअली ये जो आपके जो वैल्यू आ रही है एक्स की, वो हो रहा है, ये सपोज एक्स टू रूट्स है, ये हो रहा है एक्स प्लस राइट साइड में प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये है। अगर फर्स्ट को ये बात करें, हम कर्व यहाँ पे आता है सपोज, तो उसका मतलब ये हुआ लेफ्ट साइड पे हम जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये रूट्स आ रहा है, पहले हम ये एक्सिस चेंज कर रहे हैं, ये एक्स वाई, अब आपके पास आ रहा है ये एक्स प्राइम और ये हो गया वाई प्राइम, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो रूट्स होंगे माइनस एक्स और नीचे आ रहा है वाई, तो माइनस आयोटा वाई, जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, राइट साइड लेफ्ट साइड जाना अब और कहते हैं अप एंड डाउन, तो ए प्लस एक्स का मतलब राइट जा रहा हो, नेगेटिव एक्स का मतलब लेफ्ट जा रहा हो, ऊपर प्लस वाई का मतलब अप जा रहा हो, माइनस वाई का मतलब आपका डाउन जा रहा हो। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स रूट कहलाता है, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई, जब भी हमारा इमेजिनरी आ रहा होता है, एक्चुअली हम लोग कॉम्प्लेक्स